नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ वीर कुमार सिंह पढ़ाने जा रही हूँ। यह आप लोगों का 17वां चैप्टर है बसंत भाग 2 का। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेस्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और बच्चों, क्लास 7 का बहुत सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जैसे हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, दादी माँ, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, और बहुत सारा समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिख कर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देव जनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को वीर कुमार सिंह का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। यह लेख स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुमार सिंह के जीवन व उनकी वीरता की झलक प्रस्तुत करता है। यानी इस पाठ में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, हमारा देश गुलाम था हमारे देश पर, जानते होंगे बच्चों कि अंग्रेज शासन कर रहे थे और उस समय कितने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस आदि अनेकों ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने वीरता से देश को आजाद कराए हैं। तो इस पाठ में वीर कुमार सिंह जी के बारे में लिखा गया है कि वे किस तरह से अपने देश के लिए क्या सोचते थे और देश की आजादी के लिए क्या क्या काम किए हैं, इसके बारे में इस पाठ में दिखाया गया है। तो कह रहे हैं लेखक कि यह लेख स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुमार सिंह जी के जीवन पर उनकी वीरता की झलक प्रस्तुत करता है। यानी वे कितने बड़े वीर थे, वीर कुमार सिंह का जीवन परिचय, इनके बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुमार था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुमार सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। कुमार सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही की। घर में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व फारसी सीखी, लेकिन उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में अधिक लगता था। 1827 में पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने रियासत की जमींदारी संभाली। वे भी पिता की भांति स्वाभिमानी और उदार विचार वालों थे। अब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार, जब कुमार सिंह ने जमींदारी संभाली तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। मतलब हमारे देश में ब्रिटिश अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे। मतलब हमारे भारत देश के लोगों के ऊपर बहुत जुल्म, अत्याचार, मारपीट और उसके साथ पशु के जैसे व्यवहार करते थे। कृषि, उद्योग और व्यापार का भी बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से निकाला जा रहा था, यानी वंचित कर दिया जा रहा था। कुमार सिंह ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। देशभक्ति की भावना जागृत होना। अब देखते हैं, जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसुरिया बाबा ने कुमार सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अब ये गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनी। 1845 से 1846 तक वे काफी सक्रिय रहे। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोन मेला लगता था, जो
एक विशेष पशु मेला होता था। वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाते थे ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का कोई शक न हो। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। उसमें भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी थे नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुमार सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विद्रोह विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन में दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का अंतिम शासक घोषित किया गया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी भीषण विद्रोह हुआ। इसी आंदोलन के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। इसी विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इस वयोवृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तो सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, लेकिन सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन उन्होंने आत्मबल नहीं तोड़ा, निरंतर तत्पर रहे। सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस व जगदीशपुर, ये सब क्षेत्र उनकी वीरता से प्रभावित रहे। 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एक बार फिर आजमगढ़ पर कब्जा करने से अंग्रेज हार गए। 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। युद्ध की विशेष प्रणाली व वीरता। युद्ध कला में वे पूर्णतया निपुण थे। वे छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर लड़ा करते थे। एक बार उन्हें अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने चतुरता से यह बात फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। अंग्रेज सेनापति डगलस बलिया के निकट पहुंच गया और वे सेना को शिवराजपुर नामक स्थान से नाव पर गंगा पार ले गए। यहीं अंतिम नाव पर सवार कुंवर सिंह को डगलस की गोली हाथ पर लगी तो उन्होंने अपना हाथ ही गंगा मैया को भेंट कर दिया। सामाजिक कार्यों में सहयोग। वीरता के साथ साथ इन सेनानी के हृदय में कोमल भावनाएं भी थी। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जल पूर्ति हेतु कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी इन्हें प्राप्त हुआ। सहयोगी स्वभाव। वे सभी के साथ सहयोग भावना से कार्य करते थे। हिंदू मुसलमानों के सभी त्योहार मिलकर मनाते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे। कुंवर सिंह की अंतिम लीला। 23 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह ने विजय पताका जगदीशपुर में फहरा दी तो दी, लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनंद का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया, लेकिन इनके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने लिखा है,
मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा है, चला गया यो कुमार अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, स्वतंत्रता का सैनिक था आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुमार सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है, आशा है बच्चों आपको सारा पाठ समझ में आ गया होगा, और आप बच्चों मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिए, और लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन है उसको जरूर दबाइएगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा, और अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉमेंट्स में आप कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद।